एवरीवन, कैसे हैं आप? तो आज मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाई, सारा दिन निकल गया। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि आज कुछ ऐसे ही हालात हैं, इसलिए मैंने वीडियो शूट नहीं की आज। क्योंकि सिक्किम में ना बादल फटने, अभी तक मैंने यही सुना है कि बादल फटने की वजह से बारिश ज़्यादा हुई है, मतलब बादल फटने की वजह से बाढ़ आ गई है। तो बाढ़ की वजह से सब कुछ वहाँ नष्ट हो गया है। पता नहीं क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्योंकि सारा सच तो नहीं दिखा रहे हैं अभी। तो मेरे को भी सारी नॉलेज नहीं है अभी, क्या है क्या नहीं है। तो वहाँ पे अंजलि पापा भी थे, तो मेरे को पता नहीं चल रहा कि क्या हुआ है वहाँ। बोल रहे हैं कि लाइट वाइट नहीं है, तो टावर वावर नहीं है, उसकी वजह से बात बात नहीं हो पा रही है। तो बहुत टेंशन है, क्योंकि कहीं पर भी ऐसे हालात होते हैं तो कोई भी वो अपना बुरा तो लगता ही है, अच्छा नहीं लगता है। टेंशन भी बहुत हो रही है क्योंकि बात नहीं हो पा रही, फोन तो स्विच ऑफ जा रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो एक आध लोगों को फ़ोन करके भी पूछा है, सब लोगों ने ऐसे बताया कि कोई बात नहीं मैडम, टेंशन नहीं करना, बस वहाँ पे तालवार टूटे हुए हैं इसलिए पता नहीं चल पा रहा है, कुछ बात बात नहीं हो पा रही है। लेकिन फिर भी बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि तो बता रहे हैं देश जवान तुम सुधाएं, पता नहीं कहाँ है, पानी में बह गए या कहाँ पे हैं। तो वो भी हमारे एक परिवार का हिस्सा थे। पता नहीं किसका बेटा होगा, किसका बाप होगा, किसका पति होगा, कुछ पता नहीं। मैं भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी भाई जहाँ पे अभी है सलामत हो, और क्या ही कर सकते हैं। सभी बहनें बस बाहर रह रहे हैं, हमारे पति सबके, तो सभी बस टेंशन में रह सकती हूँ और कुछ भी नहीं कर सकती। अब जब तक बात नहीं होगी तब तक किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा बच्चे हंस हंस के चले गए, क्योंकि तुम लोग तब से सभी बच्चे भी रो रहे थे, मैं भी, मम्मी भी, सबको किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन मम्मी को तो नहीं बताया, मम्मी को तो ऐसे बता दिया कि बात हो गई है, तुम टेंशन मत करो। क्योंकि मम्मी को तो धोखे से अंजलि ने बता दिया, मैं नहीं बताना चाह रही थी, क्योंकि मम्मी तो कमज़ोर हैं दिल की, वो जल्दी से ऐसी हो जाती है। तो उनको बता दिया कि बात हो गई है, टेंशन बहुत हो रही है, पता नहीं कब बात होगी, क्या है ये, भगवान चाहते भी है सभी भाई सलामत हो। और जो भी 23 बंदे खोए तुम सुधाए, भगवान जल्दी से मिल जाए, बस मैं तो यही कहूंगी। इसलिए मुझे आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ना हमने आज कोई वीडियो शूट की है। प्लीज सभी हम लोगों के लिए प्रेयर करना, सभी भगवान से प्रार्थना करना कि हमारे चाहते भी जितने भी बंदे हैं सब खुश हैं, कि आर्मी वालों का किसी का भी कोई वो नहीं होता है, कहाँ किस जगह पर कब जाना पड़े, कब कहाँ रहना पड़े, किसी का कुछ पता नहीं होता। तो भगवान से सभी प्रार्थना करो कि जो भी भाई जहाँ पे भी सब खुश लो, बस और कुछ भी नहीं चाहिए भगवान से, बस मैं इतना ही बोलूंगी और कुछ भी नहीं। जब तक कुछ खबर नहीं मिलेगी तब तक वीडियो शूट करने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है।